दुनिया के दिन कितने, दुनिया का जीना कितना। और फिर ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाकर हजारों लोगों को आप तनख्वाहें दे रहे हैं और खुद कर्जों में डूब रहे हैं, वो भी सूद पर। तो ऐसा किसने मशवरा दिया है आपको? तो ऐसा कर्जा लेने की जरूरत क्या है? कर्जा हमारे यहां कर्ज सहूलत के लिए लिया जा रहा है, जरूरत के लिए नहीं लिया जा रहा। जो बेचारा जरूरतमंद है उसको कर्ज देता कौन है? फी सभी लीला, अल्लाह की रिजा के लिए कौन कर्ज देता है? आज सगा भाई सगे भाई को कर्ज नहीं दे रहा सिवाय इसके कि उसको सूद मिलेगा। बाप बेटे को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। देता कौन है यह कर्ज? जरूरतमंद तो वैसे ही पीसता चला जा रहा है। जरूरतमंद को कर्ज नहीं मिल रहा, महंगाई गले को आ गई है। अपना भी कत्ल करता, अपने बच्चों को कत्ल करता है, बीवी को मार देता है, घर बार को जलाकर बर्बाद कर देता है, राख कर देता है। वरना ये कर्ज लेते और इदारा जो भी कर्ज दे रहा है सो सूद पे दे रहा है, कार दे रहा तो सूद पे दे रहा है, मोटरसाइकिल दे रहा है सूद पे दे रहा है, और सारे सूद लेने के लिए तैयार हो जाते जो लेते हैं। पढ़ाई करनी है तो सूद पर करनी है, यूनिवर्सिटी की फीस भरनी है सूद पर भरनी है। आप बोले कि यूनिवर्सिटी की फीस में सूद पर नहीं भरता, मैं कहता हूं कि आपने इस तरह सूद पर भरा था कि आपके हाथ में जो क्रेडिट कार्ड था आपने मशीन के अंदर क्रेडिट कार्ड डाला और आपने अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी और दीगर जो फीस पेमेंट करनी थी अपने बच्चों की वो सब के सब आपने मशीन से ऑन द स्पॉट कार्ड देकर निकाली है। और वो कार्ड क्रेडिट कार्ड था, एटीएम कार्ड नहीं था। और जिस क्रेडिट कार्ड से आप कैश ड्रॉ कर रहे हैं, कैश ड्रॉ करते ही विथ इमीडिएट आपके ऊपर सूद चढ़ गया 2.5%। इस वक्त सूद का रेशो है, आपने जैसे ही कैश ड्रॉ किया, कैश ड्रॉ करते ही उस बैंक ने आप पर सूद नाफिज कर दिया। अब आप जो भी पेमेंट बैंक को पेमेंट करेंगे विथ सूद पेमेंट करेंगे, विथ इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। आपने अपनी हॉस्पिटल का बिल जो पेमेंट किया जो कैश ड्रॉ करके किया, ये क्या था? एटीएम कार्ड अलग चीज है, वो आप अपना ही अमाउंट बैंक से निकाल रहे हैं और वो अमाउंट जो आपने ड्रॉ किया वो बैंक ने अपने कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए आपके अकाउंट से उतने रुपए माइनस कर दिए। वो आप ही का रुपया है जो बैंक ने या किसी इदारों ने आपको 24 आवर सर्विस दी है कि आप अपना रुपया डबल 12 घंटे में कभी भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक अलग चीज है, क्रेडिट कार्ड एक अलग चीज है। आपके बैंक के अंदर ढेला रुपया नहीं है और क्रेडिट कार्ड के जरिए आप लाखों रुपए कैश कर रहे हैं। आखिर ये बैंक वाला या इदारे वाला आपका कौन सा खालाजाद भाई है, कौन सा सगा भाई है जो आप उससे पैसे ले रहे हो? बोलेगा ठीक है खर्चा करके 40-45 दो महीने के बाद दे देना, कोई मसला नहीं, भले आप खर्च करो। वो उसका अपना भी रुपया नहीं है, वो रुपया वो है जो हमने बैंकों में जमा करवाया होता है, सेविंग अकाउंट के नाम पर जमा करवाया होता है। और पता है कि मेरा ये रुपया मैंने दिया ही बैंक में इसलिए कि मैं बैंक से सूद लेता हूं, इस पर बैंक मुझे नफा दे रहा है। बैंक आपको 10% नफा दे रहा है, बैंक 12% पर आगे कर्ज दे रहा है, 2% खुद सूद खा रहा है और 10% आप उससे सूद ले रहे हो। सारा सूदी निजाम चल रहा है, बर्बादी बर्बादी है, फिर भी कर्जा लेना है। क्या कमी है हमें? बीवी के पास जेवर है, क्या कमी है आपको? आपके पास माल नहीं है, क्या कमी है आपको? अल्लाह ने पांव दिए हैं, ऐसी मोटरसाइकिल लेकर क्या करोगे जो सूद के पैसे से? ऐसे सूद के पैसे के मोटरसाइकिल से बस तो दूर की बात है, पैदल चलना अच्छा। कि यही सूद की मोटरसाइकिल जिस दिन निकलवाई उसी दिन हादसा हो गया और सूद की मोटरसाइकिल के साथ ही किसी बस के नीचे आ गए तो मोटरसाइकिल का तो कचरा हो ही गया, वो तो ढेले के दाम नहीं बिकेगी। हम जो सूद का बाबा लेकर कब्र में चले गए, जिस सूद की कार लेकर आप सड़क पर आए थे, एक उसी दिन के अंदर कोई ट्रॉलर ही आपकी कार पर गिर गया और विद फैमिली ही आपका सारा जनाजा उठ गया, तो सूद समय सारे खानदान को लेकर आप उतर गए कब्र के अंदर। सूद के बारे में मेरे आका फरमाते हैं, सूद लेने वाला ऐसा है जैसे कि हालत इस्लाम में अपनी मां के साथ जिना करता हो। अस्तग़फिरुल्लाह, अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म। मुसलमानों, आपकी गैरत को ललकार रहा हूं, दावत इस्लामी का ये मुबल्लिग आपकी गैरत को ललकार रहा है कि अगर कोई शख्स इस वक्त आपके हाथ में करोड़ों रुपए रखकर भी कहे कि ये करोड़ों रुपए लो, जाओ अपनी मां के साथ एक बार जिना करके आ जाओ, आप नहीं लोगे, आप नहीं लोगे, आपकी गैरत गवारा नहीं करेगी।
लेकिन हमारे नबी फरमाते हैं, हमारा नबी का इरशाद है कि सूद लेने वाला ऐसा जो हालत इस्लाम में अपनी मां के साथ जिना करता है। अब सूद पर पैसा लेना गवार, सूद का पैसा गवारा है कि मां के साथ जिना का वबाल किस कदर सख्त वरीद है। रोकिए, खुद को रोकिए, अपनी बीवी बच्चों को रोकिए। यहां तो लोगों ने अपने बच्चों को क्रेडिट कार्ड खरीद कर दिए, सप्लीमेंट्री कार्ड इश्यू होते हैं, एक कार्ड आपने रखा, एक कार्ड आपके बच्चों ने रखा, एक कार्ड दूसरे बच्चे ने रखा, फिर बच्ची बोलेगी अब्बू जान मेरे पास कार्ड नहीं है। जी बेटी आपके लिए भी सप्लीमेंट्री कार्ड है। तो बीवी बोलेगी कि बच्चों को बांटते हो, मुझे डांटते हो, मुझे भी कार्ड दो। तो जी आपके लिए भी कार्ड है। अब ये सारे के सारे शॉपिंग कर रहे हैं और कैश ड्रॉ कर रहे हैं, और आपको आता इतना बड़ा पर्चा, अदायगी होती है तो ठीक है, नहीं होती तो ठीक है। या फिर पेमेंट कर देते हैं, जो हमारे अमूमन कार्ड पेमेंट होती है, तो वो भी कौन पेमेंट पूरी करता है? इंस्टॉलमेंट करते हैं, 52 डेज की पेमेंट होती है अमूमन, 45 डेज 52 डेज। अगर 45 डेज और 52 डेज के अंदर आपने पेमेंट नहीं की तो बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करती है, पेनल्टी चार्ज करती है। पेनल्टी चार्ज जिसको ताजिर बिन माल कहते हैं, आहनाव के नजदीक ताजिर बिन माल ये नाजायज है। और इस तरह पेमेंट ना करके ये सूद देते हैं, हम किस्तें बना देते हैं। 3 लाख का आपके पास पेपर आ गया जिसमें से 1 लाख रुपए आपके बच्चों ने तो खर्च कर दिया, 1 लाख रुपए बच्चों के अम्मी ने खर्च कर दिया, जो बचा था आपने खर्च कर दिया। 3 लाख का 1 महीने में पेपर आ गया, आपकी आमदनी 1 लाख रुपया है, 2 लाख रुपए कहां से लाएंगे आप? अब ये इदारा आपको फैसिलिटी दे रहा है कि आप इसकी इंस्टॉलेशन इंस्टॉलमेंट करवा लें। इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या आएगा? इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको इंटरेस्ट चार्ज लगेगा, सूद देना पड़ेगा। ऐसे कार्ड का क्या फायदा? ये कार्ड रखना जायज है या नाजायज है, मैं इस पर बहस नहीं कर रहा हूं, मगर इसके नुकसान देख लीजिए। तो जो इस कदर नुकसान देह चीज हो और जो इतने वबाल में डालने वाली चीज हो, हमको जरूरत क्या है उसके करीब जाने की? इस्लाम वो हसीन, वो खूबसूरत मजहब है जो हमें बुराई के करीब जाने से रोकता है। ला तकरबू जिना, जिना के करीब मत जाओ, फहाशी के करीब मत जाओ। इस्लाम वो हसीन खूबसूरत मजहब है, इस्लाम वो हसीन खूबसूरत मजहब है कि इसका मानने वाला जो कामिल मोमिन होता है उसके बारे में आता है कि ये बेहुदा बातों की तरफ इल्तिफात नहीं करता। जो कामिल पक्का सच्चा मुसलमान, सच्चा पक्का आशिक रसूल है, यहां कर्ज पर कर्ज चढ़ता चला जा रहा है। तो बात चले अब कर्ज की चली है, तो कर्ज से बचने का तरीका चाहिए। कर्ज से बचने का तरीका किस किस को चाहिए? सुभान अल्लाह, कर्ज से बचने का तरीका। लांडी बाबुल मदीना के एक इस्लामी भाई का बयान विद तसरुफ अर्ज करता हूं। फरमाते हैं, मेरे बड़े भाई की शादी के दिन करीब आ रहे थे, अखराजात का इंतजाम नहीं था, मुझे सख्त तशवीश थी, कर्ज लेने का जहन भी नहीं बन रहा था कि अदा करने में ताखिर की सूरत में मेरी जान से प्यारी मदनी तहरीक दावत इस्लामी के नाम पर बट्टा लग सकता है। कितना जिम्मेदार इस्लामी भाई था, वाह। एक दिन इंतहाई परेशानी के आलम में नमाज जोहर अदा की और दिल ही दिल में नीयत की कि अगर रकम का इंतजाम हो गया तो मदनी काफिले में सफर की सआदत हासिल करूंगा। नमाज से फरागत के बाद अभी नमाजियों से मुलाकात और इंफादी कोशिश में मसरूफ था कि इमाम साहिब, जो रिश्ते में मेरे ताया जान हैं और मेरी परेशानी से भी वाकिफ, उन्होंने मुझे बुलाया और अल्हम्दुलिल्लाह बगैर सवाल के खुद ही रकम देने का वादा फरमा लिया। मैं दूसरे दिन मदनी काफिले का मुसाफिर बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ाजल, मदनी काफिले में सफर की नीयत की बरकत से मेरी उलझन दूर हो गई। तारीख तय होते वक्त हम बारे कर्ज तले दबे हुए थे,
अल्हम्दुलिल्लाह बड़े भाई जान की शादी भी हो गई और कर्ज भी अदा हो गया। कल्ब भी शाद हो, घर भी आबाद हो, शादियां भी रचे, काफिले में चलो। कर्ज उतर जाएगा, जख्म भर जाएगा, सब बलाएं टले, काफिले में चलो। तो देखा आपने, छोटे भाई के मद्दी काफिले में सफर की नीयत की बरकत से अदाए कर्ज का इंतजाम, रकम का एहतमाम और बड़े भाई की शादी वाला काम भी हो गया। तो इधर उधर भटकते फिरने के बजाय, तो परेशानी है तो काफिले में सफर